क्या आपको पता है सिक्किम एक इंडियन स्टेट आजादी के लगभग 3 दशक बाद 1975 में बना। तो चलिए इंडिया के साथ सिक्किम की जुड़ने की कहानी को जानते हैं। आजादी के बाद सबसे मुश्किल काम था प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जोड़ना, पर आखिरकार सब प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में जुड़ने के लिए मान जाती हैं। लेकिन सिक्किम के राजा ने इंडिया का पार्ट बनने से मना कर दिया था। तभी नेहरू जी ने 1950 में इंडियन सिक्किम ट्रीटी साइन करी, जिसके तहत सिक्किम एक इंडिपेंडेंट रीजन रहेगा और सिक्किम की सिक्योरिटी के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पर बीएन राव और सरदार पटेल ने इस ट्रीटी का बहुत विरोध किया। लेकिन कुछ समय बाद सिक्किम के लोगों में राजशाही से आजादी और इंडिया के साथ जुड़ने की आवाज उठने लगी, क्योंकि सिक्किम की सारी आबादी को इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। अगर हम उस टाइम के पॉपुलेशन सेंसस को ब्रेक करें तो लेपचास, भूटिया और लिंबू को सुपीरियर माना जाता था, और 65% रिमेनिंग पॉपुलेशन जो एथनिकली नेपाली थी उनके साथ लेबर क्लास की तरह एक्ट किया जाता था। तभी इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री होती है इंदिरा गांधी जी की। उन्होंने आरएन काओ और जीबे सिद्धू के साथ प्लान बनाया कि वो सिक्किम की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का राजा के खिलाफ सपोर्ट करेंगे, और ये प्लान काम कर गया। तभी राजा के पैलेस के बाहर 15,000 लोगों ने वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। 7 अप्रैल 1975 में इंडियन गवर्नमेंट ने राजा के खिलाफ कू करवाकर उन्हें हाउस अरेस्ट पर डाल दिया, और 26 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने 36th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और एक रेफरेंडम करवाया, जिसमें 97.5% पॉपुलेशन ने इंडिया के साथ जुड़ने को वोट किया। फाइनली 16th मई 1975 को सिक्किम इंडिया का पार्ट बन जाता है।